हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? माय नेम इज तलहा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट जॉब विदाउट एजुकेशन, जिसकी अंडर मैट्रिक है, जैसे मिडिल हो गया, मैट्रिक हो गया, सही है, जिसकी इतनी एजुकेशन है वो किस तरह यूई के अंदर जॉब हासिल कर सकता है। तो इसके अलग अलग जो है कहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं, आपके पास क्या स्किल्स हैं, क्योंकि एजुकेशन ना होने का ये मतलब नहीं है कि मतलब आपके पास कोई स्किल्स भी ना हो। थोड़ा बहुत तो आपको किसी चीज़ में स्किल्स लोगे तो ही फ़ायदा होगा। अगर नहीं लोगे भी तो आपको जॉब तो मिल जाएगी, पर थोड़ा पे आपको कम मिलेगा। तो अगर आप जैसे वहाँ से वीज़ा अपना करवा लेते हो 2 महीने का, ठीक है, टिकट करवा लेते हो, तो उसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। सबसे बेस्ट वे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे जो ब्लू कॉलर के लिए मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिसकी एजुकेशन नहीं है, जिसकी मैट्रिक है या उससे कम है, उनके लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छी जॉब जो है वो होटल लाइन की जॉब है, ठीक है। उसमें जैसे कोई भी रेस्टोरेंट हो सकता है, चाहे इंडियन रेस्टोरेंट हो या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हो या फिर कोई दूसरा टाइप का कोई भी जो है कंट्री का कोई भी रेस्टोरेंट हो, पर जैसे अगर कोई बड़ा रेस्टोरेंट होता है तो उसमें आपको इंग्लिश का आना ज़रूरी होता है। जैसे पाकिस्तान इंडियन रेस्टोरेंट में आप लोगे तो उसमें इंग्लिश की ऐसी वो रिक्वायरमेंट नहीं होती एशियन रेस्टोरेंट में। हाँ, अगर कोई आप जैसे आपने जैसे कोई जो अरबिक रेस्टोरेंट हो गया जैसे, या कोई बड़े होटल के अंदर जो किसी रेस्टोरेंट हो गया, तो उसमें ज़रूरत होती है। उसमें आपके पास और ऑप्शन जो है हेल्पर की जॉब आप कर सकते हो। इसका मैं बता देता हूँ कि किस तरह लेते हैं और कितनी कितनी सैलरी है। देखिए, अगर आपके पास आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, आप अपनी अच्छी CV बनाएं, उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस लिखे। अगर होटल लाइन के अंदर जाना चाहते हैं तो आप लिखे कि मैंने 2-3 साल जो है होटल लाइन के अंदर अपनी कंट्री में काम किया है। तो आप मुख्तलिफ CV उठाएं और जितने भी होटल है सब में जाएं, उनको अपनी मजबूरी बताएं भाई कि मेरी ये मजबूरी है। क्योंकि कुछ ना कुछ आप बताओगे, इस तरह आप जाओगे भाई मुझे जॉब दे दो, तो ऐसा कोई नहीं होता कि आप उससे बातचीत करो, सलाम दुआ है हेलो करो, फिर उनसे अपनी मजबूरी बयान करो भाई कि ये मजबूरी है, मैं जॉब के लिए यहाँ पर आया हूँ, अपना कर्ज़ा लिया है, लोन लिया है, खर्चा हुआ है, तो अपनी थोड़ी सी उनसे मजबूरी करो और उसके बाद में आप उनसे जॉब की वो करो, सही है, उनके पास जाओ, कम से कम डेली के आप कम से कम 10-12 होटलों पे चक्कर लगाओ, ठीक है। उसके अलावा जो है, अगर आप जो है इसके अलावा आपको वो काम मिल सकता है, क्या बोलते हैं, हेल्पर ही का जॉब मिल सकता है किसी वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। तो आप किसी वेयर हाउस के अंदर आप जाके हेल्पर ही के लिए वो करो। आपको ये ब्लू कॉलर की जॉब इस तरह की नहीं होती कि आपको लोग जो हैं आप बैठ के इंटरनेट पे बैठ के जो है अप्लाई करो, क्योंकि ये जॉब बहुत मतलब डायरेक्ट होती है। ये जॉब ऐसी होती है कि लोग खुद आते चलते हुए, तो लोग खुद करते हैं। इसमें थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये उनकी तरह नहीं होती ग्रेजुएशन, या जो जिन्होंने ग्रेजुएशन करा हुआ है, जिन्होंने के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो लोग बैठ के इंटरनेट से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया होता है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता, इसमें जो होता है सिर्फ मेहनत होती है। तो आपको मेहनत करनी है और जो है आपको डेली सुबह निकलना पड़ेगा। CV आप अपनी, मैं तो बोलूँगा कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से कहीं से भी आ रहे हो, तो आप 4-5 कैटेगरी की CV बनाना। आप होटल की एक CV बना लो, हेल्परी लाइन की अलग CV बना लो, और जो है पैकिंग डिपार्टमेंट की अलग CV बना लो, सेल्स की अलग CV बना लो, जैसे दुकान में जो सेल्स करते हैं उसकी अलग CV बना लो। इस तरह की हर CV की कम से कम आप 15-20 पेज के लेकर आओ, 20-20 पेज के हर CV के आप कॉपी करा के लाओ, क्योंकि यहाँ पे कॉपी बहुत महंगी होती है। एक दरम में एक कॉपी पड़ती है यहाँ पे प्रिंटिंग की ना, या तो 8 आने में एक दरम में पड़ेगी। एक दरम में भी आप लगाओ तो, अगर जैसे आप पाकिस्तानी में लगाओगे तो 80 रुपये और इंडिया में लगाओगे तो 22 रुपये, वहाँ पे तो उससे सस्ती पड़ेगी आपको। तो आप ये CV अच्छी खासी कॉपी बना के लेकर आ जाओ, ठीक है। और आपको हर जगह जाना है, ठीक है। और इसके अलावा आप एक ये काम भी करो कि आपके पास अगर CV बना रहे हो तो अगर कोई भी रिश्तेदार, कोई भी जान पहचान, सलाम दुआ वाला कोई भी बंदा है तो उससे बोलो भाई मुझे एक सिम अरेंज कर दो, ठीक है। सिम अरेंज कर दो कि वो नंबर निकाल लो। चलो अगर आपके पास कोई जान पहचान, सलाम दुआ कोई वाला भी कोई भी बंदा नहीं है, तो आप नंबर की जगह खाली छोड़ दो और उसको पेन से नंबर लिख देना। यहाँ पर आओगे आप, नंबर निकालना, नंबर आप अपने पेन से लिख देना उस पर, नंबर की जगह खाली छोड़ के, क्योंकि UAE का नंबर लिखना है। आप ऐसा नहीं कि वहाँ इंडिया पाकिस्तान का नंबर या बांग्लादेश का नंबर लिख कर आ गए तो वो कोई कॉल नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आके UAE का नंबर निकालना है, CV के अंदर आके अपने पेंसिल से अपने नंबर लिखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद में आपने आपको निकलना है सुबह पाकिस्तान, इंडिया, एशियन रेस्टोरेंटों पर अगर जाना है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है
तो आप इंडियन जैसे एशियन रेस्टोरेंट पे जाएं, वहाँ पे उनको जाके बताएं भाई मैं जॉब करने चाहता हूँ, और उनसे बात करके वहाँ पर वो करें। अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो आपको फिर ऐसी ही मतलब जो है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप किसी शॉप पे जाओ, शॉप पे भी अगर हो जाए तो वो भी एक अच्छा है, जैसे किसी मोबाइल शॉप हो गया, जैसे कोई जो है सुपर स्टोर हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत से सुपर स्टोर है वहाँ पे आपको जो है 2000 तक मिलती है, 1500 1800 तक भी मिलती है, जैसे बेस्ट पॉइंट हो गया ये एक स्टोर है, इसके अलावा जो है कैरीफोर हो गया, और इसके अलावा लूलू है, बहुत सारे जो सुपर स्टोर है वहाँ पर भी हो जाए तो वहाँ पर भी वो आपको अच्छी मतलब वो बन जाता है, आपकी इनकम आ जाती है। और इसके अलावा आप जो है जो अप्लाई कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन एरिया में, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी और डिफ़िकल्ट वर्क है, अगर वो आपके वो हो सकता है तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ऑफिस बॉय होता है वो उसमें भी आप कर सकते हैं, और जो इंडोर क्लीनिंग सर्विस जो होती है, जो इंडोर की जो होती है, जैसे हल्का फुल्का जो करना पड़ता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको यही है कि आपको जो है ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना है, अगर आपको विदाउट एजुकेशन वाली जो जॉब चाहिए तो आपको CV बनानी है, खुद ही आपको ग्राउंड लेवल पे मेहनत करनी है। ठीक है, आप जो है बड़े बड़े ऑफिसेस के जो एरिया है उसमें जाओ, जैसे बिजनेस बे हो गया, DMCC हो गया, अलखेल हो गया, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बेड स्पेस में रह रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी काफ़ी जो 6-8 बंदे रहते हैं उनसे आप रابطہ करो, उनसे भाई मसला बताओ, उनसे बोलो भाई मुझे जॉब चाहिए, मैं करना चाहता हूँ। पर किसी को भी आपको पहले पैसे नहीं देने हैं, यहाँ पर ऐसा भी बहुत से लोग जो है मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि हम आपको जॉब तो दे रहे हैं, आपको कमीशन देना 500 देना, इतना बोलो भाई सही है मैं 500 के आपको 600 भी दे दूंगा, पर आपको पहली सैलरी मिलने के बाद दूंगा, जब मुझे पहली सैलरी मिलेगी उसके बाद ही मैं आपको दूंगा, ठीक है। जो इस तरीके से आप उनको वो करो, पहली बात है कि मतलब अगर ब्लू कलर के लिए तो 500-600 बहुत ज़्यादा है, 200-300 या 100 भी अगर हो जाए तो काफ़ी है, पर यह है उनको बोलो मुझे जॉब मिल के जो पहली सैलरी होगी उसके बाद ही मैं करूँगा। तो आप इस तरह के कोई काम करो, और उसके अलावा आप इन चक्करों में नहीं पड़ना कि आपको कोई बोले भाई हाँ हम तुम्हें चेक करेंगे कि तुम 2 महीने काम करो फिर हम तुम्हारा वीज़ा लगाएंगे, ये महीना काम करो ये हम तुम्हारा वीज़ा लगाएंगे, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है। लोगों से उसे काम निकालने का एक तरीका होता है, वो आपको सैलरी दे देंगे, अपने वीज़ा का जो 5-6 हज़ार का खर्चा है वो बचा देंगे, आपको 2 महीना बोलेंगे, बाद में बोलेंगे भाई समझ भी नहीं है, सैलरी तो दे देंगे पर जो आपने इतना टिकट लगाया वीज़ा लगाया जो खर्चा करा है अकोमोडेशन में रह रहे हो, वीज़ा ही नहीं लगाएंगे तो आपके आगे जॉब कैसे बनेगी, समझ रहे हैं। तो आपको ऐसी जगह पे ही जाना है जहाँ पे आपका वीज़ा लगे, एमिरेट्स ID निकले, हर चीज़ हो, जहाँ पे सारी आपको जो है सहूलतें मिले वहीं पे आपको करना है। और जहाँ पे भी आप लगो तो वहाँ पे थोड़ा सा आप साइड में एम्प्लॉय से भी मालूम कर लो सैलरी कब मिलती है कैसी मिलती है, ऐसा ना हो तो कि सैलरी 2-2 महीने बाद 3-3 महीने बाद मिलती है तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, सही है। तो आपको ऐसी जगह पर ही थोड़ी सी आप जगह देख दाख के ही करो, और इसके अलावा इंडोर का मिले तो बहुत वेल एंड गुड है, अगर बाहर का आउटडोर का मिल रहा है तो वो आपकी सेहत के ऊपर है कि आप देखो कि इतनी गर्मी आप बर्दाश्त कर सकते हो कि आप कंस्ट्रक्शन लाइन, क्योंकि यहाँ पे गर्मी 40-50 डिग्री भी चली जाती है, लोग बेहोश भी हो जाते हैं बास टाइम, तो वो चीज़ आप करके ही रखो, ऐसा ना हो कि आपको किसी ने बोला भाई कंस्ट्रक्शन लाइन में, एक बंदा से मेरी बातचीत हुई थी हमारे ऑफिस के साथ ही वो बैठा हुआ था, तो उससे मेरी बात हुई थी तो उसने मुझे बताया कि मैं हूँ AC इंजीन मतलब टेक्नीशियन हूँ, मतलब AC का काम करता है वो, तो उसको यहाँ बुलाया AC के टेक्नीशियन के लिए, जैसे इंडिया से बुलाया था उसको, सही है, उसकी सैलरी भी अच्छी लगा दी उन्होंने, वैसे 2000 उसकी सैलरी लगा दी, उसको वीज़ा दे दिया, सब कुछ दे दिया, पर उससे बोला कि अभी AC का काम तो नहीं है, अभी आपको जो है हम जो है जो सोलर होता है उसका आपको वो सफाई करनी पड़ेगी, जो सोलर पैनल होते हैं वो आपको सफाई करनी पड़ेगी, तो सोलर पैनल वैसे ही गर्म होता है और उसके अलावा उसमें धूप की शेड आके और तपिश से और वो ज़्यादा वो करता है, तो वहाँ पर वो बंदे से वो हो नहीं पा रहा था वो काम, तो वो बहुत मुश्किल से मतलब 10-15 दिन उसने करा, वो मैं कह रहा मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं बेहोश हो रहा हूँ, कह रहा अगर कोई बेहोश भी होता है तो उसको पानी पिला के पानी का थोड़ा वो करा के फिर से उसको काम पे चढ़ा देते हैं। तो आप अपने सेहत के हिसाब से, लोग करने को तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, हार्ड वर्किंग सारी चीज़ करते हैं लोग,
वो उनकी सेहत होती है, उनके एक जो बॉडी टाइप होती है उसी हिसाब से वो अपने हिसाब से करते हैं। अगर आपका वैसा है, आपके पास जो है गर्मी में ये तेज़ गर्मी वाला काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कभी भी ऐसे कंस्ट्रक्शन वाला या आउटडोर वाले काम को नहीं करें, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत तेज़ होती है। आप पहले से सैलरी अगर थोड़ी कम भी है तो आप इंडोर वाले को प्रेफरेंस करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये तरीक़ेकार है जॉब यहाँ करने का। आपको एक दिन भी सिर्फ संडे के अलावा कोई दिन भी आपको घर पे नहीं बैठना है, आपको बाहर निकल जाना है, ठीक है। और इसके अलावा आप जितना भी करीब करीब का एरिया पहले इसको कवर करें, जितने भी शॉप है, जितने भी वो रेस्टोरेंट हो गए, जितने भी वो हो गए, उनको आप कवर करें अपने। फिर उसके बाद आप मेट्रो में करके थोड़ा आगे जा सकते हैं, थोड़ा वो कर सकते हैं। और दूसरी बात है, जो आपके कमरे में आजू बाजू जो बैठे हैं उनको आप बोलें, सही है। और इसके अलावा आप ऑनलाइन में ये देख सकते हो, अप्लाई करने की नीयत से नहीं देखो ऑनलाइन में, पास टाइम ये भी है, इस तरफ पोस्टिंग होती है कि हमें 10 बंदे चाहिए, हमें क्लीनिंग के लिए 10 बंदे चाहिए, हमें हेल्परी के लिए 10 बंदे चाहिए, हमें ये, तो उसमें आप करके कर सकते हो। और वॉकिंग इंटरव्यू में भी जा सकते हो, पर अगर बच सकते हो तो बच्चों वॉकिंग इंटरव्यू में, क्योंकि वहाँ पे एक 4-5 जॉब होती है, दो सौ पाँच सौ बंदे आते हैं, वो एक थोड़ा वो होता है कि पूरा पूरा दिन निकल जाता है उसमें। और उससे बजाय कि आप जो है अपना, सबसे मैं बोलूँ तो दुबई में सबसे बेहतर ये है कि रेफरेंस वाली जॉब होती है, यहाँ पे सलाम दुआ से सबसे अच्छी जॉब मिलती है। आप यहाँ पे जो भी आपका दुबई में रहता है करता है, आप उनसे सलाम दुआ करो, उनसे हाय हेलो करो, उनसे वो करो, उनसे बातचीत करो, मजबूरी बयान करो, उनसे वो रेफरेंस से मिल गया तो समझो आपका बेड़ा पार हो गया। आपको इन किसी ख्वारी में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका बिल्कुल ही ईजी वे में आराम से नौकरी लग जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप ट्राई करो, रेफरेंस से नहीं होता तो फिर CV बनाओ, डेली आपको बाहर निकलना है, CV डिस्ट्रीब्यूट करना है, CV लेते हुए आओ, ठीक है। मुख्तलिफ 5-6 कैटेगरी के CV बनाते हुए आओ, 2 महीने का मिनिमम खर्चा लेते हुए आओ, पर महीने का 2000 का खर्चा आएगा आपका, ठीक है, धर्म में, क्योंकि 500-300 का बेड स्पेस है, खाना पीना है, फिर उसके अलावा वो ट्रांसपोर्टेशन है, तो आपको 1500 से 2000 महीने का खर्चा हो गया, वीज़ा टिकट अलग हो गया, सही है, 3000 दो महीने का खर्चा है। घर का खर्चा आप अदा करते हुए आओ, जो आपको घर में खर्चा जो देना है वो 2 महीने का आप देते हो, ताकि कोई टेंशन ना। चले इस वीडियो को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अभी हमारा न्यू चैनल है तो हमें सपोर्ट करें, ठीक है। और इसके अलावा जो भी सवाल हो आप इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और इसके अलावा कमेंट में भी करेंगे तो मैं आपको उसी, अगर जो ज़्यादा कमेंट जिसकी वीडियो के रिलेटेड आएगा तो मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और इसी तरह मैं 4-5 वीडियो वैसे ही कमेंट के ऊपर बना चुका हूँ, तो आप वो भी विज़िट करके देख सकते हैं। ओके, बाय।